अब तक जो हम लोग काउंट किए थे, कौन पता है क्या चीज उसमें यकसा है, एक ही है कॉमन। जितने चीज हम लोग अब तक गिने हैं यहाँ क्लास में, दर्स में, सब मुजक्कर को काउंटिंग किए, जितनी चीज को हम लोग गिने हैं ना अब तक, सब मुजक्कर को गिने, मुअन्नस एक भी चीज को हम लोग अब तक नहीं गिने। तो जब मुअन्नस को गिनेंगे तो उसका भी जमा लाना पड़ेगा, हमको जमा लाना पड़ेगा ना। तो जैसे तौली बतून का जमा क्या होगा, तौली बातुन। कैसे करेंगे, सिर्फ अलिफ लगा देंगे, तौली बातुन। सेम मुदर्रिसातुन, मुस्लिमातुन, कैसा जमा बन रहा है इसका, आतुन। सैयारातुन, साआतुन। ठीक है, क्लियर है। जमा क्या कहते हैं इस तरह का जमा को, जमा मुअन्नस सालिम, और जमा मुजक्कर सालिम कैसा है, मुदर्रिसूना, ऊना है, ऊना जमा मुजक्कर सालिम, और जमा मुअन्नस सालिम क्या, आतुन। ठीक है, तो हमको काउंट करना है फिर से। तीन शागिर्द कैसे लिखेंगे, मुजक्कर, तीन मुजक्कर शागिर्द, सलासतु तुल्लाबिन, सलासतु तुल्लाबिन। अब क्या काउंट करते हैं हम लोग मुअन्नस को, क्या होगा, तालिबात। हाँ, क्या होगा, पहले इसको भरते हैं जिसको गिना जाए, तालिबातिन। तीन क्यों हो गया, मजरूर होने की वजह से क्या है, तीन, क्या हो गया, तीन। और यहाँ बाकी रहा नंबर, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्या अलग है, ये मुदाफ है कि नहीं है, ये मुदाफ ले ही है, मुदाफ है, मुदाफ ले ही है। तो क्या हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, गोलता यहाँ पे नहीं है, गोलता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गोलता है, यहाँ पे गोलता नहीं है। किसको गिन रहे हैं यहाँ पे हम लोग, मुजक्कर को गिनेंगे। मादूद क्या है यहाँ पे, मुजक्कर, जब मादूद होगा मुजक्कर तो अदद होगा मुअन्नस, और जब मादूद होगा मुअन्नस तो अदद होगा क्या, मुजक्कर। हाँ, ठीक है, ये फ्लिप हो गया, ठीक है, जिसको गिन रहे हैं जब वो होगा मुजक्कर तो आदत होगा मुअन्नस, और अगर गिन रहे हैं जिसको, जिसको गिना जाए वो है मुअन्नस, तो आदत होगा क्या, मुजक्कर। तो कभी कभी हम लोग सलासतुन भी देख सकते हैं, सलास भी हो सकता है, सलासा भी हो सकता है, सलासतु भी हो सकता है, और सलासु भी हो सकता है, ठीक है, सलासा हो सकता, सलासतु भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या इसका तर्जमा क्या होगा, तीन मेल स्टूडेंट्स हैं, ये हो गया थ्री फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिसको गिनते हैं मादूद मुजक्कर हो, अदद होगा मुअन्नस, मादूद मुअन्नस हो तो अदद होगा क्या, मुजक्कर, ठीक है। तो अब बताइए, सलासु ताली बातिन, सलासु ताली बातिन, ठीक है। असगर भाई आप बताइए, चार शागिर्दा के लिए क्या होगा, चार, अरबा,
अरबाउ तौलिबातिन। हाँ जैद आप बताइए। खमसु तौलिबातिन। आप बताइए। सित्तु तौलिबातिन। आप बताइए। सबउ सबउ तौलिबातिन। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सबसे गोलता को हटा दिए। सबसे क्या किए? गोलता को हटा दिए। ठीक है, तो नंबर आपको ऐसा भी दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे चेंजेस हम लोग? सलासु। ठीक है, सलासु। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा लिखते तनवीन, जब मुदाफ बनेगा तब ना तनवीन हट जाएगा। ठीक है, अरबा अरबाउन, ये क्या हो जाएगा? खमसुन। ये सितुन। ठीक है, ये हो जाएगा सबउन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समानियुन। ठीक है, समानियुन। ये क्या था मुअन्नस इसका? समानी समानियतुन। तो मुज़क्कर क्या होगा इसका? समानी। लेकिन कुछ चेंज है, इसको आप ऐसे पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? सिर्फ क्या पढ़िएगा इसको? समानी। लेकिन कुछ और चेंज है इसमें। क्या चेंज है? या को भी हटा दीजिए, या को भी हटा दीजिए। अब क्या पढ़िएगा? समानिन। अच्छा, क्या लग रहा है? मरफू दिख रहा है या मजरूर दिख रहा है? नहीं, मुराद आठ ना मुराद इससे। हाँ, मजरूर दिख रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। सलासुन अरबाउन खमसुन सितुन सबउन समानिन। ये था क्या ओरिजिनल? समानियुन समानियुन था। ठीक है, लेकिन हो गया क्या? समानिन। ठीक है, तिसअतुन का क्या होगा? ये सिंपल है, तिसउन। इसका क्या होगा? कुछ फर्क है अशरतुन और अशरुन में? हाँ, शीन में क्या है? सुकून है। अशरतुन में क्या है? अशरुन नहीं, अशरुन है। ठीक है, क्या समझ में आया? सलासुन अरबाउन खमसुन सितुन सबउन तमानिन। ठीक है, तिसउन अशरुन। जब मुदाफ बनेगा तो फिर तनवीन इसका हट जाएगा। मुदाफ बने तनवीन इसका हट जाएगा। हाँ अच्छा, तो ये तो हो गया किसी एक कायदे में। उसका क्या होगा मुअन्नस? ये तो मुज़क्कर है, तो फिर इसका मुअन्नस क्या होगा? वाहिदतुन वाहिदतुन। ये क्या होगा? अभी बताए थे इसना इसना तानी इसना तानी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया? अदद जो है वो मुअन्नस भी हो सकता है और मुज़क्कर भी हो सकता है। नंबर आदत मुअन्नस भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, लेकिन कब क्या होगा किस पर डिपेंड करता है कि हम किसको गिन रहे हैं। अगर गिन रहे हैं मुज़क्कर को तो आदत होगा मुअन्नस, गिन रहे हैं मुअन्नस को तो आदत होगा क्या? मुज़क्कर। ठीक है, एक बताइए, पांच बेटे, फाइव सन्स, कैसे लिखेंगे? खमसतु खमसतु अबना। ठीक है, खमसतु अबना इन इब्नुन अबनाउन, जमा क्या? इब्नुन खमसतु अबना इन। लेकिन पांच बेटियां, बेटियां के लिए क्या वर्ड होगा? जमा क्या है? बिनतुन बनातुन, बिनतुन बनातुन। लेकिन बनात होगा मुअन्नस, मुदाफ लगी तो क्या हो जाएगा? बना तीन। ठीक है, बना तीन।
बना तीन खमसू, बहुत अच्छा, खमसू बना तीन, ठीक है, खमसू बना तीन, ठीक है, खमसू बना तीन, ठीक है, खमसू बना तीन। तो यहाँ क्या देखें हम लोग, सला सतु, ये गोलता होगा उसको हम बड़ा था करते हैं, ठीक, खमसतु, ठीक है, खमसतु अबना इन, खमसु बना तीन, ठीक है। तो अदद क्या है, मुजक्कर, जब गिनेंगे, गिनने वाला चीज जब वो क्या मुजक्कर, तो अदद क्या होगा, मुअन्नस, जब गिन रहे हैं मुअन्नस को तो अदद क्या होगा, मुजक्कर, ठीक है, मुजक्कर अदद मादूद, ठीक है, ये क्या होगा, मुअन्नस अदद। सेम इसके लिए भी, ठीक है, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं ज़्यादा, ऑपोजिट है, जिसको गिन रहे हैं बस याद क्या करना है, बेस नंबर जो है ये आपका दिया हुआ, ये बेस गोलताई को पकड़ा जाता है बेस, ठीक है, मतलब याद करने के लिए आदमी गोलता के साथ ही याद करता है, लेकिन कभी कभी गोलता रहेगा, कभी कभी गोलता नहीं रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, गिन किसको रहे हैं, ठीक है, गिन किसको रहे, क्या वो मुजक्कर है, कैसे पता चलेगा मुजक्कर है, मुफरत में जाना पड़ेगा, सिंगुलर में क्या है, ठीक है, सब समझ में आया, खमसु अबनाइन, खमसतु अबनाइन, खमसु बनातिन, ठीक है, कहना चार मुस्लिम मर्द, चार मुस्लिम मर्द, अहमद भाई आप बोलिए, चार मुस्लिम मर्द के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं, चार चार आदमी, चार आदमी बोलिए, फोर मैन, फोर मैन, अरबातु आदमी के लिए क्या वर्ड है, रजुलुन, जमा क्या है, रजुल का जमा क्या है, रिजालुन, तो अरबातु अरबातु रिजालिन, अरबातु रिजालिन, ठीक है, और चार औरतें के लिए क्या होगा, औरतों के लिए क्या वर्ड है, जमा अरबारून, औरतों के लिए क्या वर्ड है, निसाउन, निसा, निसाउन मतलब जमा है, इमरातुन मुफरद है, जमा क्या है, निसाउन, ये अलग वर्ड है लेकिन इसका माने जमा है, अरबाउ निसाइन, अरबाउ निसाइन, ठीक है। अब कहना हमको चार मुसलमान औरतें, नहीं आप कह, छह मुसलमान औरतें, जैद आप बताइए, छह मुसलमान औरतें, सित्तु, नॉट सित्तु है ना, सित्तु, सित्तु मुस्ली मुस्लिम मुस्लिमातुन से हो जाएगा, मुस्लिमा तीन मजरूर, मुस्लिमातुन से मुस्ली मा तीन, ठीक है। अब आप बोलिए बहाउद्दीन भाई, आठ गाड़ियाँ, एट कार्स, कार्स गाड़ी, एट कार्स, आठ नहीं सॉरी नौ, नौ ना नौ नाइन बोली, नौ गाड़ियाँ, नाइन कार्स जी, नाइन, पहले गाड़ी का जमा क्या है, गाड़ी मुजक्कर है या मुअन्नस है, मुअन्नस है, तो सैयारतुन जमा क्या, सैयारातुन, तो जैसे पता चला गाड़ी मुअन्नस है तो अदद कौन सा लेंगे, ये या ये मुजक्कर लेंगे, गाड़ी मुअन्नस है तो क्या होगा, तिस्उ, तन्वीन हट गया, हट गया, और सैयारातुन से क्या हो जाएगा, सैयारातुन से सैयारा तीन, तिस्उ सैयारा तीन, तिस्उ सैयारा तीन, समझ गए, तिस्उ सैयारा तीन, ठीक है। गिनेंगे अगर मुजक्कर को तो अदद होगा मुअन्नस, गिनेंगे अगर मुअन्नस को तो अदद होगा मुजक्कर, क्लियर, समझ में आया,
कोई सवाल है तो पूछिए यहाँ पे, कोई सवाल यहाँ पे। कायदा वही है, कायदा वही है जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे, मुअन्नस का भी वही कायदा है, बस रिवर्स है, बाकी सब कायदा वही है। क्या कि मुदाफ मुदाफ इलेही के तरतीब से स्टाइल में अंदाज में उसी पैटर्न पे आता है अदद मादूद, ठीक है, अदद होगा मुदाफ, मादूद होगा मुदाफ इलेही, लेकिन अगर और मादूद हमेशा जमा आएगा, और मादूद अगर होगा मुजक्कर तो अदद नंबर होगा क्या मुअन्नस, मादूद होगा अगर मुअन्नस तो अदद होगा क्या मुजक्कर, ठीक है, ये फ्लिप कर देना पड़ेगा। जी ये जवाब देंगे नेक्स्ट क्लास में, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्या अरबी का वर्ड, ऐसा बहुत सारा वर्ड अरबी का, ठीक है, मुदाफ होने में कैसा दिखेगा ये, या दिखेगा समानी होगा वो, ठीक है। और मिसाल दे आपको वादी, वादियुन अरबी में वर्ड है क्या, वादियुन, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा वादिन, ठीक है, वादियुन से हो जाता है क्या वादिन, अलिफ लाम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अलवादी, ठीक है। हादियुन होता है हिदायत देने वाला, हादियुन, लेकिन उसको हादियुन नहीं लिखा जाता, हादिन कर दिया जाता है, अलिफ लाम लगाएंगे तो या खुल जाएगा अल हादी, हिदायत देने वाला, ठीक है। दाईयुन दावत देने वाला, लेकिन दाईन कहेंगे, अलिफ लाम लगाएंगे क्या हो जाएगा अद्दाई, ठीक है, अद्दाई, समझ में आ रहा है। इस तरह का वर्ड है अरबी में, जो यून आवाज जैसे अरबी में आता है तो बर्दाश्त नहीं करता उसको, सीधा कर देता क्या उसको तनवीन, डबल कसरा, लेकिन वो रहता है वो मरफू है, क्यों, क्योंकि क्या है दाईयुन वादियुन, ठीक है, कादी कादियुन, काजी कहते हैं ना काजी साहब, कादियुन है, कादिन हो जाता है अलिफ लाम आने से अल कादी, उर्दू में कादी रह गया, अरबी में कादी जब आएगा तो अलिफ लाम के साथ आएगा। ये भी एक कायदा, कैसे एक वर्ड से ऐसा चेंजिंग होता है, ठीक है। तो ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कायदा जान चुके हैं, नेक्स्ट क्लास बहुत अहम होगा, मिस नहीं कीजिएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग सबक नंबर लेसन 20 करेंगे जिसमें ये मुअन्नस का कायदा आएगा, मुअन्नस महदूद होगा उसमें, मुअन्नस महदूद होगा उसका कायदा कराया जाएगा, और फिर मिक्स्ड होकर के आएगा मुअन्नस और मुजक्कर महदूद। तो ये हम लोग कम्प्लीट करने के बाद में उसी सबक चैप्टर में फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कुरान से मिसाल देखेंगे। तो आधा घंटा हम लोग क्लास करेंगे लेसन नंबर 20, 20वां सबक अद्दरसुल इशरूना, और आधा घंटा क्या करेंगे इंशाल्लाह हम लोग कुरान से मिसाल देखेंगे कि कहाँ कहाँ कुरान में ये इस्तेमाल किया गया है, नंबर्स, मादूद आएगा मुजक्कर, अदद होगा, ये कुरान से लिया गया, अरबी ग्रामर इज डिराइव फ्रॉम द कुरान, कुरान से अरबी ग्रामर को लिया गया, तब वो तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, तो मिस नहीं करना, जो आप मेहनत किए हैं उसका फल आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखेगा। नॉर्मल काउंटिंग करेंगे तो मुअन्नस अंदाज में करेंगे, किसी को बोलना काउंटिंग हो तो अरबी का तो मुअन्नस पकड़ के करेंगे, ठीक, वाहिदुन इत्नानी सलासा वक्फ करेंगे गोलता पे, वो पूरा पढ़ सकते हैं सलासतुन अरबातुन खमसतुन, ठीक है, गोलता को बेस पकड़ा जाता है, ऐसे काउंटिंग करेंगे तो ऐसे बताएंगे, बगैर मादूद का काउंटिंग क्या होगा ऐसे होगा, लेकिन मादूद जब आएगा तो ये होगा या ये होगा, कौन फैसला करेगा मादूद मुजक्कर है या मादूद बस, ठीक है, और कुछ नहीं। किताब पढ़िए, घर में रिवाइज करिए, आपकी किताब में एक इम्पोर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, की फैक्ट्स दिया हुआ है, ज़रूर घर में जाके क्या उसको पढ़िए, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लाजमन भूलेंगे। जो आप क्लास में आके मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इसका अजर दे, घर में जाके भी क्या करना आपको मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, हम बता चुके आपको, आधा घंटा अगर आप इसके अलावा निकाल लेते क्लास के अलावा तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। घर में जाके ज़रूर होमवर्क जो दिए हैं, मश्क नंबर 3 सबक नंबर 19 का होमवर्क ज़रूर कीजिए, मिस मत कीजिएगा, और 20वां सबक आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं पढ़ने के लिए घर में ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला, अल्लाह से दुआ अल्लाह हम लोगों के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह से दुआ अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफ़िरत करे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़ीना अज़ाबन्नार। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।